चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली वीडियो चल रहा है, तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना कि सर हमें आपकी डेली के क्लास में जुड़ना है। 9753749981 पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी कोशिकाएँ वृषण में पाई जाती हैं तथा शुक्राणु को पाषण प्रदान करती हैं, बताइए। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही जवाब है। कौन सी कोशिकाएं वृषण में पाई जाएगी, तो वो हो जाए सरटोली कोशिकाएं। सरटोली कोशिकाएं जो हैं आपके वृषण में पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन, मनुष्य में अपरा किस प्रकार का होगा, मनुष्य में अपरा किस प्रकार का होगा, बताइए। दूसरा नंबर, दूसरा क्वेश्चन जो है, अपरा जो है अपरा हेमोकेरियल्स। ब्लास्टुला के ब्लास्टोसिस्ट गुहा किस प्रकार का द्रव्य भरा होता है, ब्लास्टुला की ब्लास्टोसिस्ट गुहा में किस प्रकार का द्रव्य भरा होता है, एल्ब्यूमिनस, कौन सा एल्ब्यूमिनस। ब्लास्टुला के ब्लास्टोसिस्ट गुहा में जो द्रव्य भरा होता है एल्ब्यूमिनस हो जाए। तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क और मेरुरज्जु अथवा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भ्रूण के किस स्तर से विकसित होता है, तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क और मेरुरज्जु अथवा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भ्रूण के किस स्तर से विकसित होगा, तो एक्टोडर्म से, किससे होगा, एक्टोडर्म, ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अपरा का क्या कार्य है, अपरा का क्या कार्य, विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना, अपरा का कार्य होता है विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, फेलोपियन ट्यूब किसका एक भाग है, फेलोपियन ट्यूब किसका एक भाग है, शुक्रवाहिकाओं का, शुक्रवाहिकाएं। प्रोजेस्टेरॉन की उत्पत्ति असफल हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन की उत्पत्ति असफल हो जाती है किसके कारण, प्रोजेस्टेरॉन की उत्पत्ति जो होता है रजोधर्म के कारण, किसके कारण, रजोधर्म के कारण, प्रोजेस्टेरॉन की उत्पत्ति रजोधर्म के कारण असफल हो जाती है। मादा मानव में जनन के समय 20 लाख अंडे होते हैं, पूर्ण जनन अवधि में इनमें से कितने परिपक्व होंगे, 500। मादा मानव में जन्म के समय 20 लाख अंडे होते हैं, पूर्व जनन अवधि में इसमें जो होंगे 500। सूक्ष्म पीतक अंड जिनमें आरक्षित भोज्य पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है वो किसमें पाए जाएंगे, सूक्ष्म पीतक अंड, सी वाला, मनुष्य में पाए जाएंगे। एक परिपक्व शुक्राणु की गति नियंत्रण होती है माइटोकांड्रिया द्वारा स्थित होता है, एक परिपक्व शुक्राणु की गति नियंत्रण होती है माइटोकांड्रिया द्वारा जो स्थित होता है, बी वाला, मध्य भाग में। मेंढक का अंडा गोलार्ध पीत की एक भ्रूणी झिल्ली जो भ्रूण को बाह्य आघात से सुरक्षा प्रदान करती हैं वो क्या कहलाती, एक भ्रूणी झिल्ली जो भ्रूण को बाह्य आघात से सुरक्षा प्रदान करती हैं वो क्या कहलाती, उसे हम कहते हैं एमनियोन कहेंगे, क्या कहेंगे, एमनियोन कहेंगे। आर्केंट्रान बनाती हैं, आर्केंट्रान क्या बनाएगी, आर्केंट्रान क्या बनाएगी, आर्केंट्रा सी शुरुआती ग्रेस्टुला बनाएगी। सरीसृप तथा पक्षियों के अंडे कैसे होंगे, सरीसृप तथा पक्षियों के अंडे कैसे होंगे, टीलोलेसिथल। सरीसृप तथा पक्षियों के अंडे जो होंगे वो आपके टीलोलेसिथल के होंगे। एंड्रोमेट्रियम किसमें पाई जाएगी, एंड्रोमेट्रियम,
गर्भाशय में 100 प्राथमिक अंडे से कितने अंडे बनेंगे? 100 प्राथमिक अंडे से कितने अंडे बनेंगे? 100 प्राथमिक अंडे से कितने अंडे बनेंगे? 100 प्राथमिक अंडे से 100 सामान्य वयस्क स्त्री में रजोधर्म चक्र होता है। डी वाल 28 दिन में बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन किसमें होगा? बाह्य निषेचन मेंढक में होगा। ये क्वेश्चन भी कितनी बार पूछा हुआ है। कितने द्वितीयक स्पर में? तो साइड में 400 शुक्राणु बनेंगे। कितने द्वितीयक स्पर्मोटाइम में 400 शुक्राणु बनेंगे? डी वाला 200 समान जुड़वा बच्चे कब पैदा होते हैं? समान जुड़वा बच्चे कब पैदा होते हैं? जब एक निषेचन अंडाणु को दो कोरक खंड में विभाजन हो और दोनों अलग अलग हो। शुक्राणु के शीर्ष में मुख्यतः क्या होता है? शुक्राणु के शीर्ष में मुख्यतः क्या होता है? शुक्राणु के शीर्ष में मुख्यतः केंद्रक पाया जाता है। केंद्र अगला क्वेश्चन है। अंडाशय में अंडों के निर्माण की प्रक्रिया, अंडाशय में अंडों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे हम कहते हैं अंड जनन कहते हैं। पक्षियों के अंडे में विदलन, यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है। पक्षियों के अंडे में विदलन अश्भंजी बिंबास से होता है। मनुष्य के अंडे कैसे होते हैं? एले शीतल। स्त्रियों में मासिक चक्र के दौरान कौन से दिन अंडोत्सर्ग होगा? 14वें दिन। सी वाला मस्तिष्क का निर्माण किस जर्म सतह द्वारा होता है? मस्तिष्क का निर्माण किस जर्म सतह के द्वारा होगा? मस्तिष्क का निर्माण ए वाला एक्टोडर्म। मस्तिष्क का निर्माण जो होता है 26 नंबर का बिल्कुल आपका आ जाएगा ए वाला एक्टोडर्म। अंडे में विदलन के बाद क्या बनता है? मोरूला मासिक चक्र के कारण किसमें परिवर्तित होंगे? अंडवाहिनी में और गर्भाशय में। ऑप्शन आपका डी वाला। मनुष्य में 1 इंच का भ्रूण कितने समय के पश्चात विकसित हो जाता है? सी वाला 6 सप्ताह। भ्रूण के शोषण का कार्य, लास्ट क्वेश्चन है 30वें नंबर का, भ्रूण के शोषण का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? सी वाला अपरापोषिका के। ये आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली अगर हमसे जुड़ना है तो इस नंबर पर जुड़ जाना है। और जिनको बुक मंगवानी है समय से पहले मंगवा लीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए बुक अवेलेबल है तो आप चाहें तो इसे घर बैठे मंगवा सकते हैं। 7500 क्वेश्चन है जिसमें आपको बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो जिनको मंगवानी है मंगवा लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।